देखिए, अगर आज दोनों चीजें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बोझ के तहत दबी हुई है कि धामी को उन्होंने बल्लेबाज कह दिया, लेकिन जवाब तो पूरे 5 साल का देना है ना। जनता तो पूरे 5, जनता ने तो केवल धामी के लिए, धामी कहेगा 6 महीने में मुझे 6 महीने का समय मिला, लेकिन धामी को 6 महीने का समय मिला, भाजपा तो 5 साल का मिला। तो अब भाजपा इसलिए जानबूझकर एक रणनीति के तहत त्रिनेंद्र रावत के, अगर वो चुनाव लड़ाते तो त्रिनेंद्र रावत का चेहरा होता, त्रिनेंद्र रावत के खिलाफ माहौल बनता। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि लोग इंतजार कर रहे थे कि त्रिनेंद्र रावत जी चुनाव लड़े, डोवेले के लोग इंतजार कर रहे थे कि त्रिनेंद्र रावत जी चुनाव लड़े और उनको प्रसाद दें, हम ऐसा प्रसाद दें कि त्रिनेंद्र भाई भी उस प्रसाद को खाने में खा के कई दिनों तक नींद नहीं आए और भाजपा को भी कई दिन तक नींद नहीं आए, ऐसा प्रसाद देने की तैयारी डोयला की जनता ने की थी। क्योंकि मैं डोयला के एक एक गांव 2007 से 12 तक, और वैसे भी एक एक गांव, एक एक घर घूमा हूं मैं डोयला को, मैं एक एक व्यक्ति को सुनाता हूं। लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई साहब आने दो त्रिनेंद्र भाई को, इस बार ऐसा आनंद देंगे हम कि याद करेंगे जिंदगी भर त्रिनेंद्र भाई भी। और तो इसलिए भाजपा ने जानबूझकर, ये त्रिनेंद्र रावत ने विड्रॉ नहीं किया, भाजपा ने जो मेरी जानकारी में, भाजपा ने त्रिनेंद्र रावत से कहा कि भाई तुम लिख के दे दो जिससे कि हम उस बोझ से मुक्त हो जाएं, कल तुम्हारा टिकट काटेंगे तो मैसेज गलत जाएगा कि भाई टिकट काटा, इसका मतलब नकारा मुख्यमंत्री 4 साल तक रहा। तो इससे बचने के लिए कि नकारा मुख्यमंत्री 4 साल तक रहा, इससे बचने के लिए उससे कहा गया कि तुम लिख के दे दो कि मैं चुनाव नहीं लेना चाहता हूँ। त्रिनेंद्र रावत ने 4.5 साल में, आप मुझे बता दो, शोभा दुनियाल कांग्रेस सरकार में कितना, जब मंत्री भी नहीं था तब कितना काम करा लेता था और अब क्या काम करा लेता है। अब वो मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, वो आ जाने के लिए तैयार हो जाए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद, क्योंकि हालांकि 16 में मैंने भी उस टीम में मैं भी सम्मिलित था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि उसके कर्तव्यधर्ता विजय बहुना थे। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हमेशा कांग्रेस को इन्होंने धोखा दिया है, और इसलिए शायद मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनको अपने उस पर सम्मिलित करेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2016 में जो दल बदल हुआ था उसके मुख्य दोषी वो है? बिल्कुल है, क्योंकि मेरे तो दूर दूर तक दिमाग में थी नहीं, उन्हीं का टेलीफोन आया मुझको कि भाई अमित शाह जी ने बुलाया है और बातचीत करनी है। अब मेरी आदत है कि एक बार अगर ग्रुप में आपस में, जब फिर मैं अपना हित नहीं देखता, लेकिन भगवान करे अब मैं जो है कि अब मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूँ।